नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के भटनी गांव के ग्रामीणों ने दबंग पर मारपीट करने व जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे महाराजगंज थाना क्षेत्र के भटनी गांव निवासी तीरथ राम का आरोप है कि वह क्रिकेट मैच देखकर वापस लौट रहा था कि दबंग व मरमर प्रवृत्ति का सूर्यनाथ सिंह, आकाश सिंह और विकास सिंह बीते 26 जनवरी को कट्टे की मुठिया से प्रहार कर मारे पीटे। इस मामले को लेकर वह बीते 1 फरवरी को मुकामी थाने के आरोपी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया, लेकिन मुकामी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। बीते 7 फरवरी को एक बार फिर दबंगों ने जानमाल की धमकी दी। स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर वह ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ित ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपकर मांग किया कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 26 तारीख के हम क्रिकेट देख के आ रहे थे सर, मौके पे सूर्यनाथ सिंह और आकाश सिंह, विकास सिंह तीनों मिलकर हमको मारने लगे। और मारने के बाद 26 तारीख को मैं गया थाने पर, थाने पर कोई सुनवाई नहीं है। पहली तारीख करपट हुई, फिर भी कोई सुनवाई सर नहीं। मैं इसीलिए मैं परेशान हूँ, वो सब मार रहे हैं, हम सब गाय भर घूम घूम कर धमकी दे रहे हैं, मन भर है सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर उनको मौलजी हाजिर अपना पकड़ लें, सब कार्रवाई। यह एप्लीकेशन किसको दिए? यहाँ पर सर एप्लीकेशन अभी कोई जमा नहीं आया, नहीं जमा हो रहा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।